ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarikh.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। नमस्कार, मैं हूं तुषाली, आप देख रहे हैं आईडेस्ट न्यूज नेटवर्क। चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई जानकारियों का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार की IMA सभागार में IMA द्वारा 17वीं मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब देश के विभिन्न क्षेत्र से आए 500 चिकित्सक और राष्ट्रीय वक्ताओं ने हिस्सा लिया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पे NMC के सदस्य डॉक्टर विजेंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पे उन्होंने कहा है कि चिकित्सक के क्षेत्र में हर दिन नए नए रोग होते जा रहे हैं, खासकर हमारे युवा वर्ग के चिकित्सकों को नई खोज के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। आज कई नई तरह की बीमारियां लोगों को हो रही है और उसके इलाज के लिए नई तरीके से उपचार और मेडिसिन भी बनाया जा रहा है। ऐसे माहौल में चिकित्सक जगत के हो रहे नए खोजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार ने कहा है कि सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों में आए चिकित्सकों ने कई विषयों पर अपना लेक्चर दिया, जिसका लाभ आए चिकित्सकों को होगा। IMA नालंदा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि सम्मेलन के उद्देश्य चिकित्सक क्षेत्र की आधुनिक जानकारियां आपस में शेयर करना है। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया है कि सम्मेलन में COVID-19 को देखते हुए विशेष इंतजाम रखा गया है। मास्क सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, मगर वीडियो को देखते ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का कितना ख्याल रखा जा रहा है। मौके पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद, संगठन सचिव डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद, दीनानाथ वर्मा, सुनीता सिन्हा, ममता कौशाम्बी, इंद्रजीत कुमार मौजूद थे। हमारा वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, इसका नाम मिलन 2021। यह एक वार्षिक सम्मेलन के साथ साथ साइंटिफिक कार्यक्रम भी होता है। इसमें हमारे बहुत सारे चिकित्सक जो कि काफ़ी नए नए चीज़ों के जानकार हैं बाहर से आते हैं और हम लोग के बीच अपना नया जानकारियाँ जो होती है उसको शेयर करते हैं, जिससे फ़ायदा यह होता है कि हमारे बीच जो हमारे लोकल स्थानीय चिकित्सक हैं उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, उससे नया नया चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और स्थानीय जो मरीज है हमारा बिहार शरीफ या नालंदा जिला के आसपास के जो मरीज़ हैं उनको भी इससे फ़ायदा यह है कि नया चीज़ों की जानकारी चिकित्सा ये इलाज का तरीका है वो मरीजों का ट्रांसफर होता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा मिलन समारोह होता है और ये पिछले 17 सालों से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। नाम से स्पष्ट है कि ये नालंदा, नवादा, सतपुरा जिले के चिकित्सकों का मिलन, ये इसमें जो पर्पज़ है जो शुरू से उद्देश्य रहा है, ये 17वां बार हम लोग मिल रहे हैं, ये आयोजन है, इसका पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि वैसे चिकित्सक जो दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, चाहे देश के किसी कोने में हो रहा हो या विदेश जा रहे हैं और ऐसे लोग नहीं जाते हैं, तो उनको यहीं पे हर चिकित्सा के हर विधा के एक्सपर्ट को बुला के और उससे वो आज के तारीख में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विज्ञान कहाँ तरक्की किया, अपने अपने एक्सपीरियंस क्या किनका कैसा है, जैसे वो सब शेयर करना, वो सब एक दूसरे को बांटना, यही इसका मकसद है। ये एक दिन का पूरा होता है, लेकिन उसमें चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इसलिए कोई एक विशेष विधा की बात नहीं होती है। जैसे मैं फिजिशियन हूँ तो खाली फिजिशियन का टॉपिक बात नहीं होता है, यहाँ सर्जरी की ही बात होती है, गायनी की ही बात होती है, आँख की बात होती है, पैथोलॉजी की ही बात होती है, हर फैकल्टी की बात होती है, रही होती है और इससे लाभ यहाँ के लोगों को है, यहाँ के चिकित्सकों को है कि उनको घर बैठे अपने घर में ही ये अवसर मिल गया कि एक अच्छा खासा सेमिनार उनको अटेंड कर लिया। और एक और बात बताऊं जो बहुत महत्व का है, MCI ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले से लगा रखा है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कि हर चिकित्सक को साल में इतना घंटा CME ये ऐसा वाला कॉन्फ्रेंस अटेंड करना ही करना है,
नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन आगे नहीं रहे। तो ये इस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने 4 घंटे का CME पॉइंट भी दिया है। जो जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं अभी, जो जितने भी चिकित्सक हैं, उन सबको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसमें भी वो 4 घंटा मिल रहा है। तो एक घर बैठे वो इतना अच्छा आयोजन में शागिर्द होके अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल भी रहे हैं और वो MCI का पॉइंट भी ले रहे हैं। आज में बिहार शरीफ के द्वारा 17वां मिलन समारोह आयोजित किया गया है और मिलन समारोह अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें हम लोग आपस में तो संबंध बनाते ही हैं, फैमिली रिलेशन बनता है और जिले के बाहर के और नेशनल लेवल से बहुत सारे ऑरेटर आते हैं, बहुत विद्वान ऑरेटर आते हैं, उनका कि हम लोग सुनते हैं, उनसे शेयर करते हैं और जिसका कि फ़ायदा डॉक्टर को तो होता ही है, अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मरीजों को होता है। और ये जो मिलन समारोह है इस तरह का, पूरे बिहार राज्य में बिहार शरीफ ही है, नालंदा जिला ही है जहाँ पर होता है, और इसमें सभी सदस्यों का बहुत ही उत्साहपूर्वक सहयोग रहता है और एक अद्भुत कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम 17 सालों से चल रहा है और आगे भी चलते रहे। इन द एज वी लिव, नॉलेज इज द पावर। At RPS School provides smart classes along with live classes facilities. Every day, rejoicing of life and discovery with big area campus. RPS School affiliated to CBSE New Delhi. इस मौके पे अध्यक्ष श्री अजय शंकर, संयोजक सचिव श्री नीरज कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष श्री विनय कुमार, उपाध्यक्ष मोहम्मद सफीउद्दीन, उपाध्यक्ष श्री संजय यादव, पिंटू वर्मा, रुद्र प्रताप, पवन पांडे, सलाहकार समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। Well equipped and spacious laboratories, computer labs with a lot of computer systems, big playground for sports, buzzing with live art and crafts and cultural activities. Well maintained and hygienic hostel facility, concessional transportation to reach the unreachable children. Write the future of your child in brightness with RPS School. RPS School is bounded on promises, the promise of delivering the knowledge along with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हर माता पिता एक ऐसे स्कूल की तलाश में रहते हैं जहां उनके बच्चों को घर जैसा माहौल मिले। तो आइए नालंदा जिला के बिहार शरीफ में एकमात्र ब्रांडेड प्ले स्कूल बचपन प्ले स्कूल, जहां पूरे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ बिहार के छोटे छोटे बच्चों के सपने, मिलता है घर जैसा संस्कार, उत्तम पढ़ाई, स्वच्छ ट्रांसपोर्ट सेवा, ऑडियो वीडियो विजुअल रूम, जहां वीडियो नुमा रूम में पढ़ाई से जुड़े हर बातों को आसानी से बच्चों को याद करवाया जाता है, स्मार्ट क्लासरूम, खेल खेल में पढ़ाई, CCTV कैमरे से लेस कैंपस, पूरी तरह वातानुकूलित क्लासरूम, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ पूर्ण सैनिटाइज कैंपस। इन सारी सुविधाओं के साथ बचपन प्ले स्कूल बिहार शरीफ में नामांकन फ्री, तो देर किस बात की, जल्द आए शहर का एकमात्र नंबर 1 ब्रांडेड स्कूल बचपन प्ले स्कूल और करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplayschool.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल।
क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता।